तो ये है एम आई टीवी, और आप सभी जानते हैं कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन अपनी टीवी के अंदर इंस्टॉल करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अगर आप चाहते हैं अपनी टीवी के इंस्टॉल हुए एप्लीकेशन को हटाना, तो कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि कहाँ से इसके एप्लीकेशन को हटाया जा सकता है। साथ ही में कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि जो हम टीवी चलाते हैं तो उसके अंदर जो कैश मेमोरी है वो भरती रहती है एप्लीकेशन यूज करते करते, तो उसको भी हम कैसे क्लीन करें ताकि आपकी टीवी की जो स्पीड है चलने की वो स्मूथ हो जाए। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे हम। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये टीवी हमने ऑन कर लिया, टीवी इस स्क्रीन पे होती है। यहाँ पे हम इस स्क्रीन के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टीवी मैनेजर। टीवी मैनेजर हो सकता है ये इस जगह दिखाई दे रहा हो, आपकी टीवी में किसी और जगह दिखाई देता हो, क्योंकि ये एमआई की टीवी है इसलिए यहाँ पे यहाँ मिलेगा। बाकी और जो टीवी आती है एंड्रॉइड में, उसमें हो सकता है कहीं और भी जगह मिल सकता है टीवी मैनेजर के नाम से, या किसी और मैनेजर के फाइल मैनेजर वगैरह के नाम से भी मिल सकता है। तो इसके अंदर हम जाएंगे, टीवी मैनेजर के अंदर ओपन करते हैं, तो यहाँ से हम अपने इस टीवी की स्पीड को भी बूस्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इसके अंदर जो जंक फाइल होती है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम एप्लीकेशन पर जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड हैं, तो अगर आपको लगता है ये हमारे काम की एप्लीकेशन नहीं है और हम इसको कभी यूज नहीं करते हैं, तो आप इस जगह जाकर उन एप्लीकेशन को हटा सकते हैं परमानेंटली। तो जैसे कि अभी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक सेमारू करके एक एप्लीकेशन है, हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, ये 21 MB की एप्लीकेशन है। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या डू यू वांट टू अनइंस्टॉल, तो आप कीजिए ओके, वो करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे सेटअप आपको अनइंस्टॉल कर दिखाई देगा और अनइंस्टॉलेशन फिनिश हो गया है, तो वो एप्लीकेशन से हट गई है। इस तरीके से आप अपने इस फोन के अंदर इस टीवी के अंदर से बहुत सारी एप्लीकेशंस को हटा सकते हैं। मेमोरी बूस्ट करना भी टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि जो आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग होती हैं तो वो क्लीन हो जाती हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन खोलते हैं, उनको बाद में एक साथ रिमूव कर देते हैं, तो उस तरीके का ऑप्शन भी यही होता है। तो यहाँ पे आप इसको क्लीन कर दीजिए, जैसे कि सारी एप्लीकेशन ओपन थी, ये सारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई है, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो ये कि इतनी सारी मेमोरी आप फ्री हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे क्लीन करना चाहते हैं तो क्लीन पर भी क्लिक कर दीजिए एक बार, या सारा स्कैन करेगा आपकी जो जंक फाइल वगैरह होती हैं, कैश फाइल वगैरह होती हैं, जब 43 MB की मिल गई है, इसको इससे उन्होंने यहाँ से इसको क्लीन कर दिया है। तो इस तरह के सेटअप आप करेंगे तो इससे आपकी टीवी की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और मेमोरी भी बढ़िया रहेगी, इससे कि आपकी टीवी को चलाने में जो एक्सपीरियंस है आपका, फास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर मिले क्लिक करने पर, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।